नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चल रही है आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 7E। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम बोलते हैं युगपत समीकरण। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर वहां दिख रहा होगा। कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है, यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात जो दिया गया है, लिखेंगे माना एक कोण, माना एक कोण यक्स, एक कोण बराबर यक्स, दूसरा कोण बराबर वाई। अब जो प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अनुपात दिया गया है। देखिए एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 5:4 है, मतलब यक्स बटे वाई बराबर क्या है, 5:4, यही तो है। यक्स अपान वाई मतलब यक्स पहले कोण और दूसरे कोण का अनुपात 5:4 है। इतना समझ में आया, ये प्रश्नानुसार पहला शर्त जो कह रहा है। तो जब इसको जब समीकरण में बदलेंगे क्या हो जाएगा, 4 का इधर गुणा करेंगे, 4x = 5y हो जाएगा, होगा ना। इसको इधर ले आइए, 4x - 5y = 0, समीकरण नंबर 1 हो गया। पहले प्रश्नानुसार जो बोला था यहां लिख देंगे प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरी शर्त क्या कह रहा है, यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक हो तो, यदि देखिए दूसरी शर्त अनुसार लिखेंगे, दूसरे शर्त के अनुसार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक हो, तो हमको एक बात बताइए, यक्स वाला ज्यादा है ना, यक्स वाला ज्यादा है, तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यक्स बराबर दूसरे कोण से कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो यक्स बराबर दूसरा कोण कितना है, वाई प्लस का 10, ये हो जाएगा वाई प्लस का 10। एक कोण दूसरे कोण से कितना अधिक है, 10 अधिक है, ये तो हो गया। तो इसका समीकरण बना लेंगे, यक्स माइनस का वाई बराबर 10 हो जाएगी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। इतना समझ में आया, तो अब क्या करते हैं इन दोनों समीकरणों में किस तरीके से, देखिए ये x है और ये y है, तो यहाँ 4x है माइनस का 5y है। तो समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में किससे गुणा कर ले, या तो 4 से कर ले या तो 5 से, 5 से करेंगे तो y वाला पद कट जाएगा, 4 से करेंगे तो x वाला पद कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे गुणा करें बताइए, 4 से कर रहे हैं, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, चलिए 4 से गुणा करने पर क्या आएगा, यहां लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x - 4y = 10 × 40 हो जाएगा, तो ये लिख देंगे 40, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हमको एक बात बताइए, 4x यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे प्लस में, तो समीकरण 3 से समीकरण 1 को क्या करें, निशान बदलना है, तो क्या करते हैं घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 3 लिखिए 4x - 4y = 40, समीकरण 3 में से 1 को घटाना है, एक समीकरण क्या है 4x - 5y = 0। अच्छा घटाना है, हमेशा बोले हैं जब निशान बदलना रहे तो घटाएंगे, निशान नहीं बदलना रहे तो जोड़ेंगे, तो निशान बदलना है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 4y में 5y जोड़ेंगे तो -4y 5y जोड़ेंगे तो 1y प्लस में बचेगा, तो लिखेंगे वाई बराबर 40 में से 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, 40 ही आएगा, तो y बराबर कितना आ गया 40, क्या कोण निकाल रहे हम लोग ना, तो 40 डिग्री। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख दे, चाहे जिसमें रख दीजिए, लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण किस में रख दे, बोलिए 2 में रख दे, चलिए 2 में रखते हैं,
समीकरण दो में रखने पर। चलिए समीकरण दो हमारा क्या है, यक्स माइनस वाई के स्थान पे क्या रखेंगे हम, 40 रखेंगे, 40 डिग्री बराबर 10। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर 40 माइनस में उधर जाके प्लस में जाएगा, 10 प्लस का 40, यक्स बराबर कितना जाएगा 50 डिग्री, एक्स बराबर 50 डिग्री आ गया, वाई बराबर 40 डिग्री, एक्स बराबर 50 डिग्री। अतः आप लिख सकते हैं, पता चलिए लिख दीजिए, अतः एक कोण बराबर, एक कोण या तो पहला कोण लिखिए, एक कोण बराबर कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका 50 डिग्री, 50 डिग्री, दूसरा कोण 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक 50 है और एक 40 आया है, ये दोनों आपका आंसर हो गया, 50 डिग्री और 40 डिग्री, ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा दो कोण पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, कोणों को ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करते हैं, छोटा कोण बड़ा कोण है तो मान लेते हैं, माना छोटा कोण बराबर यक्स तथा बड़ा कोण बराबर वाई। अब देखिए कोटिपूरक कोण कह रहा है, जब कोटिपूरक कह रहा है तो एक चीज जान लीजिए, कोटिपूरक जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं वो 90 डिग्री का होता है, मतलब दो कोणों को मिला के अगर वो 90 डिग्री का हो रहा है, वो एक दूसरे क्या कोटिपूरक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एक समीकरण तो ये बन गया पहला ही, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या कह रहा है, ये कोटिपूरक कोण प्रश्नानुसार लिखेंगे दूसरे शर्त से, अब जो दूसरा शर्त है उसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 के, छोटा कोण मतलब यक्स दूसरे कोण के वाई के 3/5 से कितना अधिक है, 10 डिग्री अधिक है, 3/5 गुने के 10 डिग्री अधिक है, मतलब ये इतना है, ठीक है ना। छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है, तो ये इस तरीके से बन गया ना। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3y/5 प्लस का 10 हो जाएगा। देखिए अब 5 इधर लेके आइए, देखिए कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा यक्स बराबर, ये हो जाएगा 3y प्लस 10/50 बटे हो जाएगा 5, फिर ये निशान लगाएंगे इसलिए 5 इधर आ जाएगा, 5x बराबर 3y प्लस का 50। यहां तक समझ में आया, 5x बराबर 3y प्लस का 50। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 3y बराबर का 50 लिख सकते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण नंबर 1 यहाँ तैयार हुआ, ये समीकरण नंबर 2 तैयार हुआ। समीकरण नंबर 2 में 5x है माइनस का 3y है, इधर x प्लस का y है बराबर का 90 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 5 से गुणा कर लें या 3 से गुणा कर लें, पिछली बार 5 से गुणा x को काटे थे, अब की बार y को काटेंगे, x का मान लेके आएंगे। तो यहां लिखेंगे, यहां लिखिए आगे, एक स्टेप टू स्टेप आपको चलना है एक तरीके से, लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए किससे गुणा करें, समीकरण 1 यही है, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करके, ध्यान दीजिए गुणा करके क्या करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके समीकरण किसमें जोड़ने पर, 1 से गुणा करके समीकरण क्या करना है, समीकरण 2 में जोड़ने पर, 2 में जोड़ने पर। चलिए क्या करते हैं, 1 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x प्लस का 3y बराबर 9 3 का 27, 270 डिग्री हो जाएगा।
अब क्या करने पर, समीकरण दो में जोड़ने पर, समीकरण दो हमारा 5x माइनस का 3y बराबर 50, ये है। जोड़ने पर, जब जोड़ते हैं तो निशान नहीं बदलता है, तो जब निशान नहीं बदलता तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं। ये देखिए कट जाएगा, 5 और 3 8x बराबर, इसको जोड़ेंगे 0 7 5 12 को 2 हासिल 1 2 और 1 3 320 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 320, यही इस तरीके का निशान लगाएंगे, 320/8 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर 8 × 1 = 8 × 4 = 32 मतलब कितना आ गया 40 डिग्री आ गया, x बराबर हमारा आ गया 40 डिग्री। x बराबर 40 डिग्री, x का मान उठा के आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो रखते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण किस में रख दे बेटा, समीकरण एक में रख दे, चलिए समीकरण एक में रखते हैं, एक में रखने पर जब x का मान समीकरण एक में रखेंगे तो ये हो जाएगा 40 + y = 90 डिग्री, y बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री - 40 डिग्री, कितना आ जाएगा y बराबर 90 में से 40 जाएगा 50 डिग्री। यहाँ पर ये इस तरीके का निशान लगाएंगे या तो या लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये 50 डिग्री, y का मान कितना गया 50 डिग्री। अब हमसे पूछा है कोणों को ज्ञात कीजिए, अच्छा कोणों को ज्ञात कर लेते हैं, तो हमारा कोण कितना गया, एक कोण आ गया, लिखेंगे छोटा कोण और बड़ा कोण माने थे ना, देखिए छोटा कोण हमारा कितना है x बराबर 40 डिग्री, ये आ गया 40 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, और ये आ गया 50 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः छोटा कोण बराबर छोटा कोण 40 डिग्री आया, 40 डिग्री, बड़ा कोण बराबर 50 डिग्री है, ठीक है ना, छोटा कोण 40 डिग्री का और बड़ा कोण 50 डिग्री का, ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा था वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी के सभी कोण ज्ञात कीजिए, यदि कोण ए बराबर एक्स डिग्री, कोण बी बराबर 3x डिग्री, कोण सी बराबर वाई डिग्री और 3y - 5x = 30 समीकरण दिया गया। तो जो जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं, कोण ए बराबर दिया गया x डिग्री, कोण ए बराबर दिया गया है x डिग्री, कोण बी बराबर दिया गया है, कोण बी बराबर 3x डिग्री, कोण सी बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है y डिग्री, और एक समीकरण भी दिया गया साथ में, जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है हमारा 3y - 5x = 30, 3y - 5x = 30 ये समीकरण दिया गया है। तो देखिए हमको क्या करना है, तीनों कोण ज्ञात करना है। अच्छा एक छोटा सा अगर सिंपल सा समझाए तो समझिए, अगर यहाँ पे इस तरीके का त्रिभुज है, कोई भी नाप नहीं जानते हम लोग क्या है, ठीक है ना, इस तरीके का मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है, ध्यान क्या देना है, ए बराबर एक्स डिग्री, यहाँ लिख देंगे x डिग्री, b बराबर 3x डिग्री और c बराबर है y डिग्री, ठीक है ना। तो उसके बनावट पे मत जाइएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ये होता है, ये दिमाग में डाल लीजिए, 180 डिग्री होता है। यहां तक दिख रहा है पूरा, यहां तक का, ठीक, तो 180 डिग्री होता है। तो ये तो पता चला त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों अंतः कोण दिए गए हैं तो उसी अनुसार लिखेंगे, लेकिन प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, a + कोण b
प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ये जो दिया गया इसको मान लेते हैं हमारा समीकरण एक हमारा दिया गया है पहले से ही, ठीक है ना। ये हमारा हो गया इतना, ये होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये मत भूलिएगा। तो चलिए ए का मान कितना दिया गया है x डिग्री, प्लस बी का मान 3x डिग्री दिया गया, प्लस सी का मान दिया गया y डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। ये दोनों सामान्य जात के हैं, समान जात बिरादरी जुड़ जाएंगे। 4x प्लस का y बराबर कितना आ गया 180, ये मान लेते हैं हमारा समीकरण नंबर दो। अब बताइए इधर 3y है माइनस का 5x है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मत मॉडिफाई करिए इसी को मॉडिफाई कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं y प्लस का 4x बराबर 180 डिग्री, 180 लिखिए बस, ठीक है ना। इसी को समीकरण नंबर दो लिखिए, जैसे यहाँ लिखा गया सेम वैसे ही लिखिए, ठीक है ना। पहले इधर y है तो इधर y ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब दो में चार जोड़िए, चार में दो जोड़िए आएगा छह ही आपका, ठीक है ना। चलिए y प्लस का, अब देखिए यहाँ पे 4x है, इधर 5x है, इधर का y है, इधर 3y। समीकरण दो में हमको क्या करना है, अगर तीन से गुणा करने तो हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण दो में, समीकरण दो में ध्यान दीजिए तीन से गुणा करके उसके बाद घटाने पर, समीकरण दो में तीन से गुणा करके समीकरण एक से घटाने पर, ठीक है ना। तीन से गुणा करके समीकरण एक से घटाने पर, अब समीकरण दो में जब तीन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस का 4 × 3 = 12x बराबर 180 तीन से गुणा करना है तो 3 × 18 = 54 540 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, अब क्या किया जा रहा है घटाने पर, ठीक है ना। घटाने पर मतलब क्या करना है इसको देखिए, इसको थोड़ा सा बाद में लिखते हैं। गुणा करके समीकरण एक से घटाने पर समीकरण एक यहाँ लिख देते हैं 3y माइनस का 5x बराबर 30, इसी में से तो घटाना है तो हो जाएगा 3y प्लस 3 × 12x बराबर 18 × 54 540। ये हो गया, अब इसको क्या करना है घटा देना है। देखिए यहां तक दिख रहा है एकदम साफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। 3y 3y प्लस माइनस का कैंसिल मतलब कटता नहीं है, आपस में जुड़ जाते हैं और जीरो आ जाता है ये, ठीक है। तो देखिए ये माइनस का 12x है, इधर माइनस का 5x है, 12 × 5 = 17x हो जाएगा, तो माइनस का 17x बराबर, इधर माइनस का 540 है, इधर 30 है, कैसे हो जाएगा। तो 30 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा, माइनस का 510 आ जाएगा। ये चाहे तो माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इधर लिखते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 510 अपान माइनस का 17। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 17 × 51 तो x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, x बराबर हमारा आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब कोण ये कितना हो गया, अब देखिए अब x का मान, अब y x का मान तो आ गया 30 डिग्री, अब y का मान भी निकालते हैं। देखेंगे x का मान कौन से समीकरण में रख दें, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर। चलिए समीकरण दो हमारा यही ना, y प्लस 4 × 30 बराबर 180, ठीक है। ये देखिए y प्लस 4 × 12 = 120 बराबर 180 डिग्री, y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, y बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 120 घटाएं कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री y का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। चलिए अब जो जो कोण दिया गया उस कोण का मान लिखते हैं। कोण a बराबर, कोण a बराबर कितना दिया गया x दिया गया x, तो जब मान रखेंगे x का मान कितना आया है 30 डिग्री आया है, कितना 30 डिग्री। कोण b बराबर कितना दिया गया है 3x बराबर, जब x का मान रखेंगे तो 3 × 9 90 हो जाएगा। कोण c बराबर, कोण c बराबर y है, y और y का हमने मान निकाला 60 डिग्री, तो हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए 60 30 90 9 9 18 180 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। कोण a कोण b कोण c तीनों निकल गया, मतलब ये जो हमारा त्रिभुज है
यहाँ पे देखिए जो बी वाला कोण है वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। 90 डिग्री का मतलब त्रिभुज कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका अभ्यास 7E समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको सारे वीडियो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जो ना समझ में आया उसको थोड़ा सा बैक करिए, उसका दोबारा देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सारे वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं सारे क्लास का वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हम लोगों ने सारे वीडियो बना के रखे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग उसको देखिए और शेयर करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।